हेलो फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रॉब्लम सेट टू ऑफ द मैथ्स. इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, यू कैन सॉल्व विद एन ऑल ऑल्सो. अब यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट 10 ईच ऑफ 2, 3, 4 and 5 डिजिट्स नंबर. अभी 10 नंबर्स लिखने हैं, 2 डिजिट के भी 10, 3 डिजिट के भी 10, 4 डिजिट के भी 10 एंड 5 डिजिट के भी 10. अभी 2 डिजिट्स के 10 नंबर कोई भी डाल दो, 1, 2, 1, 0, 2, 3, मतलब कोई भी 2 डिजिट के नंबर, 34, 56, 76, 12, 21, कोई भी 2 डिजिट्स के 10 नंबर लिखने हैं. फिर 3 डिजिट्स के 10 नंबर बोला है तो 3 डिजिट के 10 नंबर लिख दो, 234 एक बार कॉमा करके, फिर 456, 678, 789, 3 डिजिट के 10 नंबर्स लिखने हैं, 4 डिजिट के 10, तो इसको लिख सकते हो. मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने सॉल्व करके भी दे रहा हूँ. जैसे अभी 2 डिजिट नंबर यहाँ पे लिखना है तो 2 डिजिट नंबर में मैं 12 लिख 21 लिख दिया, ठीक है, 56 लिख दिया, 36 लिख दिया, 34 लिख दिया, 39, 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है. ऐसे 10 एग्जांपल तुम लोगों को लिखने. फिर 3 डिजिट्स नंबर का बोले तो 3 डिजिट्स पहले लिखो, 3 डिजिट्स नंबर लिखना है तो 3 डिजिट्स नंबर में पहले मैंने 236 कॉमा 364 कॉमा 546 ऐसे नंबर्स लिखने हैं. बाद में क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट नंबर भी लिखने के लिए, तो 4 डिजिट नंबर भी लिख सकते हैं, 4 डिजिट, राइट. 4 डिजिट नंबर में 2365, राइट. थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एट कोई भी नंबर्स डाल दो, राइट. नेक्स्ट है 5 डिजिट्स नंबर. 5 डिजिट्स नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसमें 5 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है. 5 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर में 12,546, 30,245 कुछ भी नंबर हम लोग डाल सकते हैं, इज दिस क्लियर. तो ऐसे अपने को 2 डिजिट्स के 10 एग्जांपल, 3 डिजिट्स के 10 एग्जांपल, 4 डिजिट के 10 एग्जांपल, 5 डिजिट्स के 10 एग्जांपल ऐसे लिखने हैं, इज दिस क्लियर. कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो. देवनागरी दी है, देवनागरी में हिंदी नंबर्स दिए, इंटरनेशनल नंबर मतलब इंग्लिश नंबर लिखना है और उसका स्पेलिंग लिखना है. पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. पहला क्वेश्चन में 2359 लिखा है, वो इंग्लिश में 2359 नंबर्स लिखा. अब इसको रीड करेंगे कैसे रीड करेंगे, 2359 देखो उसका पूरा स्पेलिंग लिखा है. सेकंड क्वेश्चन है 32756 हिंदी में लिखा है, उसको इंग्लिश में लिखना है और 32756 ऐसे इसका स्पेलिंग्स भी लिखा है. अब इसको इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में लिख दो. हिंदी में 6, 7, 8, 5, 9 तो लिखने आता ही होगा, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ 6, 7, राइट, 8, 5, 9 ऐसे हिंदी में लिखना है, ठीक है. और उसी हिंदी को बाद में यहाँ पे स्पेलिंग क्या रहेगा, 67,859 यहाँ पे लिखना है, ठीक है. बाकी के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. जैसे ये नंबर है 1034 तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है इसका स्पेलिंग 1034. ये स्पेलिंग लिखा हुआ है 27,895, तो 27,895 को कैसे लिख सकते हैं, अगर जैसे हिंदी में लिखना है तो 27,895 उसको नंबर्स इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, इज दिस क्लियर. आई होप आपको कुछ डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एज अ पार्ट ऑफ एवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर लॉक बैग्स टू प्रोविजन स्टोर एंड जन ग्रीन ग्रोसर्स. रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन ईच वर्ड्स. इसके खाली स्पेलिंग्स लिखने हैं. कोपर गाँव का क्या स्पेलिंग, नंबर्स का स्पेलिंग क्या है, कोपर गाँव लिखने का उसके नीचे नंबर्स लिखने का, नंबर्स के नीचे स्पेलिंग 12,714. सेव गाँव
इसमें स्पेलिंग्स लिखना है 28,095, 28,965, 31,682, 10,972. इज दिस क्लियर? ओनली स्पेलिंग्स यू टू राइट इन द थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज फोर क्वेश्चन. हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक? 20 नोट्स ऑफ 1,000, 5 नोट्स ऑफ 100 एंड 40 नोट्स ऑफ 10 रुपीज. तो कितना आएगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सी द सॉल्यूशन. 20 नोट्स ऑफ 1,000 मतलब 20 × 1,000 तो कितना आएगा? 20,000. 5 नोट्स ऑफ 100 मतलब कितना? 5 × 100 कितना? 500. एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ मतलब कितना आएगा? 140. 14 × 10 कितना होगा? 140. अब सबको प्लस कर दो. 0, 4, 0, 0, 4, 5 + 1, 6. एड 0 ऐसे आएगा. एंड 20 मतलब पूरा आंसर कितना आया? 20,640. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट करो. 20 नोट्स ऑफ 1,000 मतलब 20 × 1,000 20,000. 5 नोट्स ऑफ 100 5 × 100 मतलब 500. 14 नोट्स ऑफ 10 तो 14 × 10 कितना आएगा? 140. तीनों को प्लस किया तो कितना आता है? 20,640. ये इसका आंसर रहेगा. ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नोट्स ऑफ 1,000, 12 नोट्स ऑफ 100, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. सिमिलर वे फर्स्ट के जैसे ही सॉल्व करना है. फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को एज अ होमवर्क, चारों क्वेश्चन एज अ होमवर्क सॉल्व करना है. फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.